यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फोर चैप्टर फाइव, किसान। किसान, इसमें किसान के बारे, किसान की पोएम में क्या बताया आपको कि किसान कितनी मेहनत करता है। वो दिन रात एक करता है, उसको ना कोई त्यौहार पता, ना कोई आराम पता, ना कोई छुट्टी पता। वो तो दिन रात खेत में काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। तो आराम के नाम पर जानते नहीं कि इस तरह से सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आराम करना तो वह जानता ही नहीं है। इससे हमें ये सीखें मिलती है कि हमें हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। देखिए किसान, किसान के जीवन की सुनिए, किसान का जीवन किस तरह से व्यतीत होता है। यह इस पोएम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे किसान का जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों की जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। देखिए अभी तो सवेरा भी नहीं हुआ है कि पूरब की जो पूरब दिशा से लाल रंग का आता लाली पहचान हो, और चिड़िया सबसे पहले उड़ती है, चिड़िया की चूचू से सब उड़ते हैं, लेकिन चिड़ियों को भी उठने नहीं दिया इसने। चिड़ियों के जगने से पहले खुद की खाट, खाट मीन्स चारपाई छोड़ उठ गया किसान। ये अपनी चारपाई को, खाट को छोड़कर किसान उठ के खड़ा हो जाता। क्यों उठ जाता? क्योंकि उसे चिंता रहती है अपने खेतों पे, खेतों की, उसे अपने खेतों की चिंता रहती है, खेतों में काम करने की, फसल की, सबकी चिंता रहती है। इसलिए चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिला कर बैलों को ले करना चले खेत पर काम, नहीं कभी त्यौहार न छुट्टी है उसको आराम हराम। उसने अपने बैलों को खिलाया पिलाया और खिला पिला कर उस बैलों को खेत पर ले गया काम करने के लिए। कभी नहीं त्यौहार न छुट्टी, कभी उसको कोई त्यौहार नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कभी न है उसको आराम हराम। और कभी तो ना उसको कोई त्यौहार होता, ना कोई छुट्टी होती, उसको तो आराम ही हराम होता है। वह जानते नहीं कि आराम क्या होता है, आराम करना क्या होता है। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवा समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। कि जब गर्मी होती तो इतनी गरम गरम लू चलती है, सनसन करती हुई, और जो धरती है, जो भूमि है, वो जैसे हम तवे पर रोटी सेकते हैं गर्म गर्म, वैसे धरती जलती, तवा के समान धरती जलती है। तब भी वह खेत पर ही काम करता है। तभी भी किसान क्या करता है? खेत पर ही काम करता है बिना किए आराम किसान, बिना कुछ आराम किए। एक 24 घंटे बराबर वह काम पर ही निरंतर लगा रहता है। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। कि बादल चारों तरफ बादल गरज रहे हैं, और बिजली भी साथ में चमक रही है, और तेज़ बारिश, मूसलाधार तेज़ बारिश हो रही है, जन फिर भी किसान रुकने का नाम नहीं लेता, बिल्कुल भी आराम नहीं करता। हाथ पांव टूटे जाते, घर से बाहर निकले कौन, और अब कौन सी ऋतु आ गई? सर्दी ऋतु। अब कौन सी ऋतु आ गई? सर्दी ऋतु। कि सर्दी में हाथ पांव किसान के ठिठर रहे हैं, फिर भी घर से सब सोचते हैं कि घर से बाहर निकले कौन, कि हम तो रजाई में बैठे हुए हैं, अब घर से कौन बाहर निकलेगा। फिर भी आग जला खेतों के, लेकिन किसान को आराम कहाँ है? वो तो खेत में गए जाकर सूखी लकड़ी इकट्ठा कर आग जलाकर, आग जलाता जलाकर तपता हुआ खेतों की रखवाली करता है, चुपचाप बैठकर खेतों की रखवाली करता है। है किसान को चैन कहाँ? करता रहता हरदम काम। कि किसान को चैन ही कहाँ है? किसान के जिंदगी में चैन आराम चीज है ही नहीं, करता रहता हरदम काम। वह तो हमेशा काम ही करता रहता है, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करना आराम। कि वह कभी भी नहीं सोच सकता कि घर पर रहकर आराम कर लें या आराम करेंगे।